हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी हर वीडियो आपको हर रोज रात को 10 बजे पब्लिश हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर इन लुधियाना के नाम पे जो चैनल बना हुआ है। और इस वीडियो के अंदर आपको सीएनसी के बारे में, कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, कोडिंग के बारे में, अलार्म के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। जो भी सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं, हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। सो, आज की जो पहली वीडियो है, जो सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, उसमें हम कोडिंग के बारे में बात करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, जो आगे सीरीज हम चला रहे हैं, अगर वो सीरीज प्रॉपर चलेगी, अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, वो रिस्पॉन्स अच्छा देना वो आपके ऊपर है। इसमें ये नहीं है कि मतलब इसको आपने यहाँ से मतलब कुछ बाई करना है या कुछ करना है। अगर आप बाई नहीं भी करते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमको बताना है कि आप कौन सी जानकारी लेना चाहते हो, किस रिलेटेड जानकारी आप लेना चाहते हो। अगर फुल कोर्स आप लेना चाहोगे, उसके बाद ज्वाइन करना चाहोगे, वो आपके ऊपर है। आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कोर्स भी बाई कर सकते हो और इंस्टीट्यूट में विजिट करके भी ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑप्शन हमारे पास चार हैं, उन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले जो पहला स्टेप है हमारा, उसमें सिर्फ ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से डाउट हैं जिनका आप ज्ञान लेना चाहते हो, जिनको आप क्लियर करना चाहते हो। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड हम नया कंटेंट लेते आते रहेंगे आपके लिए, और आपको उस चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आज बात करते हैं कोडिंग के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी आप कोई नया प्रोग्राम जनरेट करते हो, तो हम कोई भी मशीन में जाते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक प्रोग्राम नंबर देना होता है। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम नंबर 17 दे दिया। तो मोस्टली जो मशीनें होती हैं, पुरानी मशीन है, उनमें डिजिट आते हैं, तो आपको कोई भी प्रोग्राम नंबर है वो डिजिट के साथ देना होता है और वो 4 डिजिट अपने आप ही पिक कर लेता है। जैसे आपने O17 लिखा तो यहाँ पर O0017 4 डिजिट अपने आप ही आ गए। उसके बाद डबल एंटर करेंगे, एक्चुअल मशीन में इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट से आपकी जो लाइन है वो ख़त्म होती है और अगली लाइन का जो ब्लॉक है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे G28, U0, W0, G92, S2500, T01, G92 के साथ जो हम लगाते हैं, G96 है, S150, M04, G00, X52, Z-2, M08, G01, X0, F0.02, G00, X48, G01, Z-50, F0.02, G00, X52, Z2, M09, G28, U0, W0, M05, M30। तो कुछ क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक कोड होते हैं। जैसे मान के चले N5, N10, ये सीक्वेंस नंबर है। मोस्टली मशीनों में 5, 10 का जो गैप है वो सीक्वेंस नंबर के थ्रू आता है। कईयों में 10, 20, 30, 40, 10, 10 का गैप आता है। कईयों में सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आते हैं। ये एक सीक्वेंस नंबर है, लाइन नंबर है, कि अगर आपकी कोई गलती आती है तो उसमें लाइन नंबर शो होता है कि इस लाइन में आपकी गलती है, यहाँ से पता लग जाता है। G28 होम पोजीशन का कोड। आगे अगर आप चाहोगे, हम आपको कोडिंग के बारे में बता रहे हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। जो चीज़ डिटेल में जानना चाहोगे उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, वीडियो पब्लिश हो जाएगी। G28 है होम पोजीशन का कोड। U define to dia 0, W define to length। पूरी लाइन का मतलब यह है कि हमारा टूल कटिंग से पहले और कटिंग के बाद होम पोजीशन पे जाएगा, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वहां पे जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी हुई है। उसके बाद G92 RPM लिमिटेशन का कोड है। अगर आपने अपनी स्पिंडल को कंट्रोल करना है, RPM को लिमिट देनी है, तो G92 कंट्रोल के लिए कोड लगाया जाता है। और जो ये 2500 है, 3000 है, 4000 है, ये कुछ कोडिंग होती हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। T0101 ये डिफाइन करता है आपके टूल की पोजीशन को। मान के चलिए आपका जो टूल है 8 नंबर पे, आपको चाहिए 1 नंबर पे, तो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी T0801। इट मीन टू से आपका जो 8वां टूल है, 8वीं पोजीशन है, वो चेंज हो गई, 1 नंबर पे आ जाएगी। G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड का कोड है। आपकी जो कटिंग है वो इक्वल रहेगी, ना कम ना ज़्यादा होगी, अगर आपने S150 पे लिमिट लगा दी। तो कहने का मतलब G96 से लिमिट लग जाएगी, S150 ये मैक्सिमम कटिंग स्पीड की लिमिट है। इसका जो यूनिट होता है वो
एमएम पर मिनट होता है कि आपके टूल ने एक मिनट में कितने एमएम पर ट्रेवल किया। M04 होता है स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी स्पिंडल है मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, वो बाईं तरफ को रोटेट होगी, उल्टी दिशा में रोटेट होगी। जैसे घड़ी किसी 12 की एक की तरफ घुमाते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, एक से 12 की तरफ जाएगी तो वो क्लॉकवाइज है। उसका जो कोड है वो M03 होता है, एंटी क्लॉकवाइज का M04। G00 रैपिड ट्रैवर्स है, जब तक आपका टूल हवा में है, रैपिड में है, एयर में है, उसका जो कोड है G00 लगेगा। X डाया होता है, Z हमारी लेंथ होती है, ये साइज के अकॉर्डिंग हम देते हैं। M08 ये कूलेंट ऑन करने का कोड है, अगर आप मिस्ट कूलेंट चलाना चाहो तो M07 लगेगा, अगर आप फ्लड कूलेंट चलाना चाहते हो तो M08 लगेगा। अगर आपकी जो जॉब है हल्की है लाइट मटेरियल, उसके लिए M07 मिस्ट कूलेंट लगता है, अगर आपकी जॉब हैवी है उसके लिए हम M08 से फ्लड कूलेंट यूज करते हैं। उसके बाद G01 लीनियर इंटरपोलेशन का कोड है, फ्लैट कटिंग, स्ट्रेट कटिंग, सीधी कटिंग, इसको हम बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन फीड। उसके बाद आगे फीड F0.02, ये होता है एमएम पर रेवोल्यूशन, मतलब आपकी जो जॉब है जब एक चक्कर घूमती है तो आपका टूल लेंथ की तरफ कितना मूव करता है, उसको हम बोलते हैं फीड रेट एमएम पर रेवोल्यूशन, कि इतनी एक चक्कर में आपकी जो जॉब है वो इतना एमएम आगे बढ़ गई, 0.02 मीटर से 20 माइक्रोन, कि एक चक्कर में आपकी जॉब इतना मूव की आगे लेंथ की तरफ। उसके बाद आगे यहाँ पर आप देख सकते हो M09, ये कूलेंट को ऑफ करने का कोड है, चाहे आप M07 से कूलेंट स्टार्ट करो, चाहे M08 से, किसी भी कैटेगरी से, बट ऑफ वो M09 के साथ ही होगा, जिससे आपका जो लुब्रिकेंट गिर रहा है जॉब के ऊपर टूल के ऊपर वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जहां से टूल आया था होम पोजिशन, वहीं पर टूल दोबारा वापस चला जाएगा, ताकि हम अगली जॉब को स्टेब्लिश उसमें कर सकें। M05 होता है स्पिंडल को लॉक करने का, क्योंकि जब आपकी जॉब चल रही है, जब आपकी जॉब घूम रही है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, पहले उसको रोकना पड़ेगा, उसके लिए M05 लगेगा स्पिंडल लॉक का। और लास्ट में आता है M30, M30 होता है प्रोग्राम खत्म करने का कोड, हमेशा आपने M30 लास्ट में ही देना है, अगर बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी M30 लग गया तो आपका प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा, आगे की जो वर्किंग होगी प्रोग्रामिंग है वो रन नहीं होगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपको बता दिए कि कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी है, कोई भी आपके माइंड में डाउट है, सवाल है, तो उनका आपने कमेंट जरूर करना और हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।